श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के दो सरलतम उपाय जानेंगे और साथ ही यह जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन आप दान स्नान पर्व इत्यादि जो पूजा पाठ का कार्य होता है और उपाय इत्यादि 14 तारीख को करेंगे या 15 तारीख को। पूरे प्रामाणिक जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हम सभी जानते हैं, मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है जब सूर्य नारायण अर्थात सूर्यदेव धनु राशि से प्रवेश करते हैं मकर राशि में। तो वह कब प्रवेश करते हैं उसी के आधार पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है। सूर्य जो है धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में 2023 को 14 तारीख की रात्रि को 8:43 पर जा रहे हैं। इस आधार पर 14 तारीख को, तो जैसे कि हर वर्ष मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाई जाती है, इस बार नहीं मनाई जाएगी क्योंकि रात्रि को भगवान सूर्य नारायण अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में रात्रि को तो त्यौहार नहीं मनाया जा सकता, तो 15 तारीख को उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति 15 जनवरी दिन रविवार के दिन 2023 में उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में आप सभी भी जो दान पुण्य पूजा पाठ के कार्य करेंगे वह 15 जनवरी के दिन करेंगे, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। अब गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के दो उपाय जानते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान सूर्य हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन अपने सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे पहला उपाय करना होगा। इस दिन जो है सबसे ज़्यादा महत्व होता है गंगा जल, जो पवित्र नदी होती है उनमें स्नान करने का, परंतु आधुनिकता के दौर में हम शहरों में रहने लगे हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। इसका बहुत अधिक आपको फल प्राप्त होगा। इसके बाद गुरुदेव का सरल सबसे प्रिय उपाय मैं आपको बताना चाहूंगी। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे ना, तो अन्य दिनों में आप नहीं चढ़ा पाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु इस दिन पहला उपाय ध्यान रख लीजिए। तांबे का वस्त्र लेना है, तांबे की वस्तु लेनी है, वस्त्र माफ कीजिएगा, वस्तु लेनी है अर्थात तांबे का लोटा लेना है। सूर्य भगवान की राशि जो प्रिय वस्तु होती है वह होती है तांबा। कुछ मेरा गला खराब है जिस कारण से मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। आप सभी भी इन दिनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो आप सभी जो है तांबे का कलश ले लीजिएगा, उसके अंदर आप सभी को जरूर से गुड़ डालना है थोड़ा सा मात्रा में। इस दिन जितना संभव हो गुड़ का दान करें और महादेव के ऊपर भी गुड़ मिश्रित जल समर्पित करना लाभ देगा। आप सभी को ताम्र वस्त्र जो तांबे का लोटा है उसके अंदर गुड़ डालना है। कहने का अर्थ है लाल रंग की जो भी वस्तु है वह सूर्य भगवान को अत्यधिक प्रिय है। थोड़ा सा उसके अंदर सिंदूर समर्पित करना है और एक लाल पुष्प जरूर से डालना है। इसके आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ स्वयं देखने को मिल जाएंगे। ग्रहों के राजा सूर्य है और प्रत्यक्ष देवता के रूप में है। 6 इंच अपने हाथों को उठाते हुए भगवान सूर्य नारायण को ओम सूर्य देवाय नमः कहते हुए जल समर्पित करना है। पहला उपाय यह है। जरूर से, और दिनों आप कुछ नहीं कर पाते, इस दिन जरूर से यह चीज़ें मिश्रित करके भगवान सूर्य को अपना आपको जरूर से जल देना है। दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए। इस दिन महत्व होता है सबसे ज़्यादा स्नान ध्यान और भगवान सूर्य की पूजा के बाद दान का, वह है तिल्ली का दान। गुरुदेव कहते हैं अपने मन की कामना कहते हुए आप जो लड्डू बनाएंगे ना, भले ही आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में दान करें, भगवान शिव के मंदिर में दान करें या किसी भी सुहागिन महिला को या पाने योग्य ब्राह्मण जन को दान करते हैं, अपने मन की कामना कहते हुए उस लड्डू के अंदर 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का जो भी सिक्का है जरूर से चुपचाप डाल दीजिएगा। यह सिक्का आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा और आपको इसका दान पुण्य का भी फल प्राप्त होगा। तो यह उपाय जरूर से कीजिएगा। साथ ही जितना संभव हो इस दिन दान दीपदान का करें, गर्म वस्तुओं का दान करें और जितना संभव हो किसी गरीब जन को दान करें जो इन चीज़ों को पाने योग्य हो। महादेव किससे प्रसन्न होते हैं, यह नहीं कि देखा देखी में दान किया जाए, ऐसे जन को दान की दीजिए जिन्हें सच में इसकी आवश्यकता है। कई लोग ठंड से परेशान है, कई लोग किसी अन्य चीज़ों से परेशान है, जो भी चीज़ दान करें, विशेष रूप से इस दिन खिचड़ी जरूर खाएं और दान में दें। इनसे आपको अलग तरह का सुख प्राप्त होगा। जो खिचड़ी में वस्तुएं होती है ना, वह शनि से संबंधित होती है। इस दिन शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, तो आप सभी को इस दिन खिचड़ी दान करनी है और महादेव को भोग लगानी है। जिन भी देवता को आप इष्ट स्वरूप मानते हैं उन्हें खिचड़ी जरूर से भोग लगानी है और दान में देनी है। इस तरह से यह जानकारी थी, जरूर से आप इनका पालन कीजिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। धीरे धीरे गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी के अन्य उपाय भी आप सभी तक शेयर करूंगी, तो चैनल पर बने रहें। जय श्री राधे, हर हर महा